Assalamualaikum everybody. Yesterday we completed the lecture on lead compensation, and today we'll start another lecture about another type of controllers, which are called lag controller and lag lead compensator or controller. So lead compensation हम यूज करते थे जब हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिस्टम के इम्प्रूव करने होते थे. तो लाइकवाइज लैग कंपनसेटर इज यूज व्हेन यू वांट टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, और इन पर्टिकुलर स्टेडी स्टेट एरर. स्टेडी स्टेट एरर को आपको इम्प्रूव करना है तो आपको लैग कंपनसेटर यूज करना पड़ेगा व्हेन यू वांट टू ओनली इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर. ठीक है, इसी तरह आपको सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इम्प्रूव करना है तो आप लीड कंपनसेटर यूज करते हैं. एंड व्हेन यू वांट टू इम्प्रूव दी बोथ देन लैग लीड कंपनसेटर आप करेंगे. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिजाइन ऑफ लैग कंपनसेटर. ठीक है, लैग कंपनसेटर का नाम जो है लैग इसलिए पड़ा कि इट प्रोड्यूसेस द फेज लैग. इसके आउटपुट पे फेज लैग प्रोड्यूस होता है. फेज लैग मीन्स कि आप इनपुट पे साइनसॉइडल सिग्नल देंगे तो आउटपुट पे उसका फेज डिले आएगा. ठीक है, जैसे आप हमने देखा था फेज लीड कंपनसेटर में इनपुट पर साइनसॉइडल सिग्नल देते हैं तो फेज लीड प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे फेज लैग प्रोड्यूस होगा. एंड दिस कंपनसेटर इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, द मैथमेटिकल मॉडल जो है ऑलमोस्ट लुक सेम एज द लीड कंपनसेटर, ओनली इंस्टेड ऑफ अल्फा यू हैव वी आर यूजिंग बीटा, और केसी जो है कंपनसेटर गेन है उसको हमने ऊपर केप लगा दी ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये जो गेन है ये लैग कंपनसेटर की गेन है, और सिंपल जो केसी है विदाउट केप वो लीड कंपनसेटर की गेन है. ठीक है, एंड यहाँ पे एक कंडीशन है जो वहाँ पे डिफरेंट थी. लेट मी राइट डाउन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कंपनसेटर. ठीक है, लीड कंपनसेटर का जो ट्रांसफर फंक्शन था इट वाज अल्फा टी एस प्लस वन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि और अल्फा की यहाँ पे जो कंडीशन थी ना दैट वाज बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, और यहाँ पे बीटा की जो कंडीशन है बिटवीन शुड बी ग्रेटर देन 1. राइट, यहाँ पे अगर हम बीटा को कर दें कि बीटा सॉरी इट्स नॉट इट शुड बी 1. अगर यहाँ इस ट्रांसफर फंक्शन में हम ये कंडीशन कर दें कि बीटा जो है 0 और 1 के दरमियान हो तो ये नेटवर्क भी लीड नेटवर्क बन जाएगा. दिस ट्रांसफर फंक्शन की सेम एज द लीड ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, so only this is the condition that differentiates this transfer function from this, or in other words this network from this, right? So ये इसको ये जो condition है ये इसको lead network बना देगी, क्योंकि अगर अल्फा 0 और 1 के दरमियान है तो इसका पोल 0 में हमेशा ऐसे आएगा, 0 जो है लीड करेगा पोल को, और यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन 1 करेंगे तो इसका जो पोल 0 में पाएगा वो हमेशा इस तरह आएगा, पहले पोल आएगा फिर 0 आएगा. ठीक है, तो इस लीड एंड लैग की वजह से यहाँ पे 0 लेड कर लीड करेगा पोल को, पोल 0 मैप में तो वो लीड नेटवर्क बन जाता है, और जहाँ पे पोल लीड करेगा 0 को वो लैग नेटवर्क बन जाता है, क्योंकि इसका एंगल नेगेटिव होता है. इसका नेगेटिव एंगल होता है तो पॉजिटिव होता है, न्यूमरेटर में होता है तो दोनों का ओवरऑल जो सम है वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, कोई भी आप पॉइंट लें तो दोनों का सम नेगेटिव हो जाएगा. इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ताकि जैसे हमने लीड कंपनसेटर में किया था. ठीक है, अब जो है इसकी इसका कंपेरिजन मजीद बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं. अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखूँ लीड कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन, तो अब कंपेरिजन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है. ये केस सी था. ठीक है, तो अब देखें कि न्यूमरेटर तो सेम है एंड गेन को भी अगर आप सेम रखें तो ये भी सेम है, सिर्फ जो
डिनोमिनेटर है वो भी सेम है, अगर यहाँ पे बीटा यूज करें हम तो ओनली ओनली थिंग डिफरेंस इज दिस बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, ये जो बाउंड्री कंडीशन है अल्फा और बीटा की, वो इन दोनों नेटवर्क को डिफरेंट बना रही है। तो यहाँ पे क्योंकि बीटा जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो हमेशा जो बीटा पी आएगा वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी ऑब्वियसली, क्योंकि बीटा जो है इज ग्रेटर देन वन, तो बीटा टी वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी, या वन अपॉन बीटा टी वुड ऑलवेज बी लेस देन वन अपॉन टी, राइट। तो इसका मतलब होल जो है वो हमेशा पहले होगा जीरो से, राइट। वन अपॉन बीटा टी कम है, मतलब होल जो है उसकी वैल्यू कम है और जीरो की वैल्यू ज्यादा है, तो कम जो है वो ओरिजिन के करीब होगा, जो ज्यादा है वो ओरिजिन से दूर होगा। ये इसका पोल जीरो में बनेगा। तो एज लॉन्ग एज बीटा इज ग्रेटर देन वन, पोल वुड बी नियर टू ओरिजिन एंड जीरो जो है उससे लेफ्ट साइड जो होगा, एंड दिस वुड मेक दिस नेटवर्क अ लैग नेटवर्क, इट शुड प्रोड्यूस फेज लैग। ये आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लें कि वन अपॉन टी हमने 10 के बराबर रखा एंड बीटा हमने 10 रखा, तो वन अपॉन बीटा टी ऑब्वियसली 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और कंपनसेटर गेन जो है हमने 3 रखी फॉर एग्जांपल, उसका पोल जीरो में आएगा, -1 पे पोल आएगा, -10 पे जीरो आएगा। और इसी का अगर आप मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स देखें विद रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो फेज जो है वो नेगेटिव है, फेज जो वेरिएशन है दैट इज नेगेटिव, राइट, एंड ऑब्वियसली इट इज मैक्सिमम बिटवीन 1 एंड 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये 1 रेडियन पर सेकेंड है और यहाँ पे 10 रेडियन पर सेकेंड होगा इस पर, तो 1 और 10 के दरमियान इसका मैक्सिमम फेज भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इसकी फॉर्म फ्रिक्वेंसीज हैं, आपके फंक्शन में आपको बताया था। फेज लीड नेटवर्क में जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हैं उसके दरमियान आपको फेज लीड मिलता है, ठीक है, पॉजिटिव फेज शिफ्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव फेज शिफ्ट है, फेज लैग है। और इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है दैट लुक्स लाइक अ लो पास फिल्टर, जो लीड कंपनसेटर था उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स था दैट वॉज लाइक अ हाई पास फिल्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो लो पास फिल्टर है, और ये जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज हैं इसमें आपको ट्रांजिशन मिलेगी, ठीक है, सिस्टम जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज से लो फ्रिक्वेंसीज में मैग्नीट्यूड में जाने, सॉरी हाई मैग्नीट्यूड से लो मैग्नीट्यूड पे जाने में जो ट्रांजिशन है दैट इज बिटवीन दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम द लोअर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी एंड वुड एंड एट द हायर कॉर्नर फ्रिक्वेंसी व्हिच इज 10 इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, नाउ अब लीड लैग कंपनसेटर की जो डिजाइन है That isn't like the lead compensator. Lead compensator के डिजाइन जो थी वो बिल्कुल एक ग्राफिकल मेथड यूज करके और एग्जैक्ट पॉइंट पे हम पोल्स एंड जीरोस प्लेस करते थे ताकि कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स एंड एवरीथिंग वाज प्रिसाइज, राइट। हियर वी डू नॉट नीड दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, यहाँ पे आपके पास चॉइस है, वहाँ पे भी चॉइस थी लेकिन चॉइस जो थी इट वॉज बाउंडेड बाय द एंगल ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिसिट एंगल जितना है उतना आपको एटलीस्ट एंड नॉट एट मोस्ट एग्जैक्टली उतना ही आपको रखना था एंगल, उससे ज्यादा और कम नहीं रख सकते थे आप। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप आर्बिट्री प्लेसमेंट कर सकते हैं पोल्स एंड जीरोस की, उसके लिए कुछ कंडीशन हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को चेंज नहीं करना चाहते। जब तक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को चेंज नहीं करना चाहते इट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू चेंज द लोकेशन ऑफ क्लोज लूप पोल्स, ठीक है, क्लोज लूप पोल की आप लोकेशन चेंज नहीं करना चाहते, यू ओनली वॉन्ट टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट बिहेवियर। स्टेडी स्टेट बिहेवियर के लिए आपको पोल्स एंड जीरोस की लोकेशन या डैम्पिंग रेशियो नेचुरल फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करनी होती, क्योंकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो चेंज करने से आपके स्टेडी स्टेट एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टेडी स्टेट एरर पे तब फर्क पड़ेगा जब आप ओपन लूप गेन जो है उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी जो पर्पज है
It is to improve the steady state behavior. It means add open loop gain only, right? तो वो कैसे कर सकते हैं? वो इस तरह कर सकते हैं कि कंपनसेटर के फोल हम जीरोज हैं, आप एक दूसरे के क्लोज रखें. क्लोज रखने से क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, अगर दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं. मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है बिल्कुल, कैंसिल हो जाए, लेकिन बिल्कुल करीब रखते हैं. बिल्कुल करीब रखने का फायदा ये है कि उनकी एंगल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझना थोड़ा क्रिटिकल है. ये एक पॉइंट है, मैंने यहाँ पे एक फोल रखा और यहाँ पे एक जीरो रखा. ठीक है, अब इनकी एंगल कंट्रीब्यूशन जो है वो ये होगी. अगर मैं इन फोल्स एंड जीरोस को मजीद करीब कर दूं तो क्या होगा, एंगल कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी. और इनको बिल्कुल करीब करता जाऊं तो ये जो एंगल कंट्रीब्यूशन है ये आपकी मिनिमम होती जाएगी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करते हैं कि लैग कंपनसेटर की जो एंगल फोल एंड जीरो जो ऐड करेंगे लैग कंपनसेटर के, हम उनकी एंगल कंट्रीब्यूशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल. उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आपके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स चेंज नहीं होगा, आपका रूट लोकस शिफ्ट नहीं होगा. ठीक है, और ये होगा कि आपका जो जीरो है उसका मैग्नीट्यूड एंड फोर का मैग्नीट्यूड वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल. राइट, जीरो एंड फोर का मैग्नीट्यूड वुड बी ऑलमोस्ट इक्वल. तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर फंक्शन की जो हो जाएगी ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ओवरऑल ये तकरीबन केसी के बराबर हो जाएगी. तो इसका मतलब आपने जो कंपनसेटर ऐड किया उसने सिर्फ गेन ऐड की. अगर पोल एंड जीरो ऑफ द कंपनसेटर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट, एंड दिस इज आवर पर्पस. यही हमारा मकसद था कि ओपन लूप गेन ऐड करें, क्योंकि आपका जो स्टेडी स्टेट एरर है वो ओपन लूप गेन से पे डिपेंड करता है. वो जितनी ज्यादा होगी उतनी स्टेडी स्टेट एरर कम होती है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, then why add pole and zero, why not just add the gain, right? ये आप question पूछ सकते हैं. उसकी एक मतलब there is series, आप open loop gain add करते हैं ना. For example, यहाँ पे मैं example आपको दिखा दूँ, simple example से बता देता हूँ. K जो है ये transfer function है और K जो है open loop gain है. ठीक है, तो अब इसका closed loop transfer function क्या होगा, C upon R. ये होगा k अपॉन s प्लस वन प्लस k. ठीक है, ये होगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. अगर मैं गेन को इंक्रीज करता जाऊं तो क्या होगा, क्लोज लूप पोल भी वेरी होंगे, राइट. और इस पर्टिकुलर केस में हम क्लोज लूप पोल्स को वेरी नहीं करना चाहते क्योंकि वी डोंट वांट टू चेंज द ट्रांजिएंट बिहेवियर, राइट. सो वी हैव टू चूज अनदर मेथड, कोई और मेथड हमें चूज करना है जिससे आपकी गेन भी इंक्रीज हो जाए और क्लोज लूप पोल की लोकेशन भी चेंज ना हो. ठीक है, तो इसलिए हम लैग कंपनसेटर यूज कर रहे हैं और दूसरे तरीके से हम गेन को इंक्रीज कर रहे हैं. बाय गेन को हम इंक्रीज कर रहे हैं बाय बाय प्लेसिंग पोल एंड जीरो वेरी क्लोज टुगेदर, ताकि उनका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स जो है वो कैंसिल हो जाए और आपको गेन मिल जाए. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी ओपन लूप गेन भी बढ़ जाएगी लेकिन आपके क्लोज लूप पोल चेंज नहीं होंगे, वो उनकी लोकेशन तकरीबन सेम रहेगी. ठीक है, दैट इज वाई वी नीड पोल एंड जीरो एज वेल अलॉन्ग विद द गेन. अदरवाइज अगर आप सिर्फ गेन ऐड करेंगे तो क्लोज लूप पोल सेम होंगे. अब आप ये देख लें कि एंगल कंट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बताया कि पोल एंड जीरो ऑफ द कंपनसेटर जो है दे आर ऑलवेज प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर, एंड द रूल ऑफ थंब इज कि उनके जो एंगल कंट्रीब्यूशन है ना जीरो और माइनस फाइव डिग्री से दरमियान होनी चाहिए. अगर इतनी कंट्रीब्यूशन है तो दैट इज एक्सेप्टेबल. इससे यह है कि थोड़ा फर्क पड़ेगा ट्रांजिएंट बिहेवियर पे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनअल्टर्ड रहेगा, लेकिन वो मिनिमम फर्क पड़ेगा. अगर 5 डिग्री थोड़ा बहुत एंगल कंट्रीब्यूशन होगी होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एंगल कंट्रीब्यूशन नहीं करें. एंगल कंट्रीब्यूशन तब जीरो होगी जब हम सिर्फ गेन ऐड करें, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया कि हम नहीं कर सकते इस तरह. सो एड अ पोल एंड जीरो वेरी क्लोज टू ईच अदर सो दैट देयर एंगल कंट्रीब्यूशन इज लेस देन माइनस फाइव से ज्यादा है, नॉट लेस देन बट ग्रेटर देन माइनस फाइव, और लेस देन 0 डिग्री है. ऑब्वियसली 0 डिग्री से जीरो या जीरो से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये पोल जो है वो पहले आप रखेंगे और जीरो बाद में रखेंगे तो ये नेगेटिव एंगल आएगा. ठीक है,
Now, if pole and zero are placed very close to the origin, then the very value of beta can be made large. ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो first primary purpose है कि open loop gain increase करनी है. And open loop gain अगर आप यहाँ पे पीछे देख लें कि it is primarily equal to beta. ठीक है, open loop gain जिस factor से increase होगी ना, that factor would depend upon value of beta. Beta पे depend करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब बीटा आप जितना लार्ज रखेंगे उतनी आपकी जो ओपन लूप गेन है उतनी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो कंपनसेटर के पोल एंड जीरोस कर रहे हैं वो ओरिजिन के करीब होने चाहिए, ओरिजिन के करीब होने चाहिए और एक दूसरे के करीब होने चाहिए. अगर इस तरह ऐड करेंगे तो बीटा की वैल्यू लार्ज हो जाएगी और एंगल कंट्रीब्यूशन जो है वो मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, एंड एंगल कंट्रीब्यूशन ऑफ the compensator would be minimum by placing pole and zero very close to each other and close to the origin. ठीक है, अब ये आपको दो indications मिल गई कि कैसे arbitrary placement करनी है. ठीक है, it is arbitrary placement but still there are some you know points या guidelines जिसके मुताबिक आपको ये arbitrary placement करनी है. It is noted that the value of p must be large but its exact value is not critical. P की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए क्योंकि आप जो पोल है वो रखना चाहते हैं ओरिजिन के करीब. ओरिजिन के करीब मीन्स के P की वैल्यू लार्ज होगी तो वो ओरिजिन के करीब होगा. सपोज P की वैल्यू मैंने 100 कर दी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.01 पे, ओरिजिन के करीब हो गया और ये भी ओरिजिन के करीब हो जाएगा. ठीक है, तो टी की वैल्यू लार्ज रखेंगे ताकि वो ओरिजिन के करीब हो, टी की वैल्यू लार्ज होगी एंड बीटा की वैल्यू हमें उससे लार्ज मिलेगी. सो एन इंक्रीज द गेन मींस एन इंक्रीज इन द स्टैटिक कांस्टेंट. तो ओपन लूप गेन इंक्रीज करेगा ये कंपनसेटर जो है, इसका प्राइमरी मकसद जो है लैग कंपनसेटर का ओपन लूप गेन को इंक्रीज करना होता है. ओपन लूप गेन इंक्रीज होगी तो स्टेडी स्टेट एरर जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर का जो फार्मूला है दैट इज kv limit s tends to 0 s into g of s होता है. ठीक है, तो कंपनसेटेड सिस्टम का जो kv है वो इसके बराबर होता है, लिमिट s एंड कंपनसेटर एंड कंट्रोलर दोनों का ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है कि लिमिट s tends to 0 s into g of s kv के बराबर है, तो हमने इसको kv कर दिया और g c of s को अलग से लिख लिया. ठीक है, ये इसका मॉडिफाइड. अब अगर आप जी सी ऑफ एस की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो आपको मिल जाएगा के सी एस प्लस वन अपॉन टी एस प्लस वन अपॉन बीटा टी. ठीक है, और यहाँ पे आप एस इक्वल टू जीरो पुट कर दें, एस इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा. ये जो एस है दैट वुड बी जीरो, दैट वुड बी जीरो. ये टी इस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा. ओनली थिंग यू विल गेट इज दिस के वी एंड के सी डैश बीटा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि के वी की वैल्यू जो है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बीटा. आप के सी इंक्रीज नहीं कर सकते, के सी नियरली वन ही आता है इसमें भी, जैसे लैग लीड कंपनसेटर में वन आता था ना, तो के सी हम कर नहीं सकते इंक्रीज फॉर द सेम रीजन. तो के सी इंक्रीज करेंगे तो क्लोज पोल्स आपके मूव हो जाएंगे. बीटा जो है दैट एक्चुअली कैन बी मेड लार्ज एज पॉसिबल, और बीटा जितनी बड़ी होगी के वी उतना बड़ा होगा. तो यू कैन सी हियर के बीटा जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वी डैश, जो नया जो स्टडी सेट कॉन्सेप्ट आएगा. अब अगर आप सॉरी अब अगर आप के वी डैश को 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब बीटा को आप 10 टाइम्स बढ़ाएंगे. And as a consequence, steady state error 10 times कम हो जाएगी. ठीक है, if you remember the formula of KV, KV के inverse proportional होता है, ESS is 1 upon KV. तो KV को जितना आप लार्ज करेंगे उतना ESS कम होगा, और KV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बीटा से, इसका मतलब बीटा आप करेंगे. तो यहाँ पे बीटा वुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, नॉट के सी नॉट के. ओपन लूप गेन्स जो हैं उनको हम उनसे ज़्यादा नहीं करेंगे
क्योंकि उनको चेंज करेंगे तो फिर क्लोज लूपहोल चेंज होंगे, ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स खराब हो जाएगा. सो वी कैन नॉट डू दैट. सो वी ओनली हैव द ऑप्शन बाय गेटिंग द लार्जर वैल्यू ऑफ बीटा. ठीक है, और बीटा की वैल्यू कब लार्ज होगी, जब आप पोल्स एंड जीरोस को ओरिजिन के क्लोज करेंगे और एक दूसरे के क्लोज करेंगे. जितना उनको क्लोज करेंगे उतना बीटा आपको ज्यादा मिलेगा. अब ये जो सर्किट था ये हमने कल डिस्कस किया था, ये वही सर्किट है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज हुआ था लीड कंपनसेटर की, और यही सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होगा लैग कंपनसेटर की. ठीक है, यही ट्रांसफर फंक्शन होगा सेम, ओनली कंडीशन चेंज हो जाएगी. कंडीशन कल थी आर वन सी वन शुड बी ग्रेटर देन आर टू सी टू, तो आर वन सी वन ग्रेटर देन आर टू सी टू होगा तो ये फेज लीड प्रोड्यूस करता है, और अगर आर टू सी टू ग्रेटर देन आर वन सी वन है तो ये फेज लैग प्रोड्यूस करेगा. तो सेम नेटवर्क वुड बी यूज एज अ लीड कंपनसेटर एंड सेम कैन बी यूज एज अ लैग कंपनसेटर बाई चूजिंग द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट. ठीक है, ये कंपोनेंट जो है इनकी वैल्यूज आप चूज करके यू कैन यू नो रियलाइज बोथ ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग द सेम नेटवर्क. और अगर आप आर टू सी टू को ग्रेटर रखते हैं आर वन सी वन से तो उसका ये होगा कि पोल पहले आ जाएगा और जीरो बाद में आ जाएगा. ठीक है, आर वन सी वन को ग्रेटर रखेंगे आर टू सी टू से तो पहले जीरो आ जाएगा फिर पोल आ जाएगा. अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, नॉट लाइक द लीड कंपनसेटर, लेकिन सबसे पहले आप रूट लोकस ड्रॉ करते हैं. नंबर वन स्टेप जो है रूट लोकस ड्रॉ करके आप उसको सिस्टम को एनालाइज करते हैं. सिस्टम को पता होना जो है वो लाजमी है कि आप सिस्टम को एनालाइज करें. जो सिस्टम जिसके लिए आपको लैग कंपनसेटर डिजाइन करना है, यू हैव टू ड्रॉ द रूट लोकस ऑफ दैट सिस्टम एंड एनालाइज द सिस्टम. सिस्टम का बिहेवियर क्या है, देन यू नो द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द लैग कंपनसेटर. अब आपको चॉइस करनी है टी की और बीटा की. ठीक है, अब आपको कैसे पता चले बीटा कितना रखना है. ठीक है, वन अपॉन टी तो आर्बिटरी कहीं भी प्लेस करेंगे क्लोज टू ओरिजिन. ठीक है, लेकिन बीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए. अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा जब आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट आपको पता होंगी. डिजाइन रिक्वायरमेंट मीन्स कि आप कितनी स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट या कितनी स्टेडी स्टेट एरर कम करना चाहते हैं, हाउ मच यू वांट. ठीक है, कितनी कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट को एवेल्युएट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पीछे किया यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम. ठीक है, ये किया हमने, इस तरह आपको उसकी एवेल्युएट करनी पड़ेगी. आपको एक्चुअल सिस्टम का स्टडी स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट दी स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट ऑफ एक्चुअल सिस्टम. आपको डिजायर्ड का पता होना चाहिए जिसको केवी डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इफ यू नो दिस बोथ यू कैन कैलकुलेट बीटा. बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं ये. ठीक है, इफ यू नो केवी डेज एंड इफ यू नो केवी यू कैन कैलकुलेट बीटा. केसी क्योंकि ऑलमोस्ट वन होता है, ये वन होता है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इक्वेशन को तो ये हो जाएगी केवी डेज इक्वल टू केवी इंटू बीटा. तो बीटा इज बेसिकली रेशियो ऑफ केवी डेज टू केवी, मीन्स न्यू स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय द एक्चुअल स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट, इन दोनों का रेशियो. इससे आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज हाउ मच, दिस वुड टेल यू के कितने फैक्टर के साथ इसमें इंक्रीज करना है. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल केवी जो है वो 3 आ रही है और आपको 30 करनी है तो बीटा जो है वो 10 हो जाएगा. तो यू हैव टू इंक्रीज स्टैटिक एरर कॉन्स्टेंट बाय द फैक्टर ऑफ 10, या इन अदर वर्ड स्टेडी एरर जो है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी. दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन बीटा. तो इन स्टेप 3 यू विल कैलकुलेट बीटा. बीटा जो है वो केवी न्यू केवी डिजायर्ड केवी डिवाइड बाय द एक्चुअल केवी, उसका रेशियो है. अब आपको बीटा की वैल्यू मिल गई. ठीक है, यू नो द वैल्यू ऑफ बीटा. अब स्टेप नंबर 4 में आपको पोल्स एंड जीरोस कंपनसेटर के प्लेस करने हैं आर्बिटरी. ठीक है, बाय कंसीडरिंग द कंडीशंस कि उसके एक दूसरे के क्लोज हों, -5 डिग्री और 0 डिग्री के दरम्यान उनका एंगल हो, मतलब एक दूसरे के क्लोज हों,
दूसरा ओरिजिन के क्लोज है, ठीक है। तो सपोज सपोज ये है ना, एक्स प्लस वन अपॉन टी है और एक्स प्लस वन अपॉन बीटा टी है, तो जीरो को आप आर्बिट्रेरी प्लेस करेंगे, ठीक है, कहीं पे भी ओरिजिन के क्लोज रख दें। सपोज मैंने जीरो को यहाँ पे रख दिया, माइनस 0.5 को सपोज, तो आपकी वन अपॉन टी जो है इज नाउ इक्वल टू माइनस 0.5, तो वन अपॉन बीटा टी कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, बीटा की वैल्यू आपको पता होगी, और ये 0.5, ठीक है, बीटा की वैल्यू 10 है और वन अपॉन टी की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन टी आपने -0.5 से रखा, तो 1 अपॉन बीटा टी जो है वो आप निकाल लेंगे, 1 अपॉन बीटा टी वुड बी 1 अपॉन टी डिवाइड बाय बीटा, ठीक है, और बीटा की वैल्यू सपोज 10 है तो ये हो जाएगा -0.05, इसका मतलब पोल जो आएगा वो -0.05 रह जाएगा। तो ये आपके कंपनसेटर के पोल एंड जीरो प्लेस हो गए और बीटा की वैल्यू भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं तो उनकी एंगल कंट्रीब्यूशन भी कम होगी और दोनों ओरिजिन के करीब है, ठीक है। तो इन स्टेप नंबर 4 वी प्लेस द जीरो ऑफ द कंपनसेटर क्लोजर टू ओरिजिन, ठीक है, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह आप मर्जी आपकी, मैंने 0.05 पे रखा ना, आप जीरो को 0.01 पे भी रख सकते हैं, -0.01 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो पोल जो है वो 0.001 पे आ जाएगा, क्योंकि वन अपॉन टी जो है वो -0.01 के बराबर है, वन अपॉन बीटा टी अगर बीटा 10 के बराबर है, वन अपॉन बीटा टी जो है दैट विल बी 0.001, ठीक है। ये भी डिजाइन वन ऑफ द सोल्यूशन है। इसी तरह 0.02 पे रख सकता हूँ मैं पोल को, तो वो 0.002 पे चला जाएगा। सो अगेन मल्टीपल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। सो इन स्टेप नंबर 4 यू प्लेस पोल एंड जीरो ऑफ द कंपनसेटर, बल्कि वो जीरो की प्लेसमेंट आप आर्बिट्ररी करते हैं और पोल जो है अकॉर्डिंगली प्लेस होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बीटा। अब ये एक एग्जांपल है, उसको हम सॉल्व करेंगे एंड फ्रॉम दिस एग्जांपल मेनी थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू। अगेन इस एग्जांपल के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हम एक सोल्यूशन को ही करेंगे एंड उसको फिर एनालाइज करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ना, उसको समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है वो यूनिटी फीडबैक सिस्टम आपको गिवन है, इट इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। द डैम्पिंग रेशियो जो है 0.49 है एंड नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो 0.67 है रेडियन पर सेकेंड फॉर द ओरिजिनल सिस्टम, फॉर एक्चुअल सिस्टम, ठीक है। स्टैटिक वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट इज 0.53 पर सेकेंड, ये स्टैटिक वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट है एक्चुअल सिस्टम का, जिसको हम केवी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट इज डिजायर टू इंक्रीज द स्टैटिक एरर कांस्टेंट केवी टू अबाउट 5 पर सेकेंड, तो केवी डैश जो है डिजायर्ड जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, केवी डैश जो है डिजायर्ड इज 5 सेकेंड, 5 पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है केवी डैश की। तो आपको केवी गिवन है, केवी डैश गिवन है, आप यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा क्या होगा, केवी डैश डिवाइडेड बाय केवी जो कि आया तकरीबन 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा, तकरीबन 10 से थोड़ा ऊपर आएगा या कम आएगा, बट इट इज यू नो नियरली 10। तो अब आपको बीटा की वैल्यू मिल गई, अब आप जो है वो पोल प्लेसमेंट की तरफ चले जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है इसका रूट लोकस एनालिसिस करते हैं, रूट लोकस से आपको पता चल जाता है कि क्लोज लूप कोड से कहाँ पे लाया करते हैं, और आफ्टर आफ्टर द एडिशन ऑफ कंपनसेटर लेयर कंपनसेटर क्लोज लूप कोड की लोकेशन यहीं पे होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को चेंज नहीं करना चाहते, तो क्लोज लूप कोड शुड बी सेम एट द सेम लोकेशन और नियरली सेम लोकेशन, ठीक है, ताकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में ज्यादा फर्क ना पड़े। अब जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी नीड टू ऐड फॉलोइंग कंपनसेटर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, हमें लैग कंपनसेटर जो है सिस्टम में
ऐड करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि हमें सिर्फ उस स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव करनी है और ट्रांजिट रिस्पॉन्स को कुछ नहीं करना, तो हमें लैग कम्यूनेटर चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा बताया कि के भी आप मालूम करेंगे एक्सेल सिस्टम का, जो कि गिवन भी था क्वेश्चन में, मैं तो ऐसे आपको करके दिखा रहा हूँ। इट वॉज गिवन इन द सिस्टम, समटाइम्स इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम टू फाइंड आउट के वी। तो वही आएगा 0.53 जो क्वेश्चन में गिवन है। एंड के वी डैश आपको पता है इट इज इक्वल टू के वी के सी इंटू बीटा, के सी जो है यूजली वन होता है। तो ये दोबारा ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको करके दिखा दिया, तो आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू फॉलो दिस स्टेप अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाली इक्वेशन यूज करके और बीटा के वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, बीटा जो है तकरीबन 10 आएगा आपका, जैसे कि मैंने बताया कि तो आप के वी डैश डिवाइड बाई के वी विच इज 5 / 0.5, तो ये 10 आ जाता है। अब बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, अब आपको कोल इन जीरो प्लेस करने हैं। ठीक है, आर्बिट्री प्लेसमेंट है, इसमें आपकी चॉइस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 0 को 0.02 पे प्लेस कर रहे हैं, -0.02 को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही करने पड़ेंगे, राइट हैंड साइड में नहीं जा सकते, इट इज अनस्टेबल रीजन। तो ये आपका 1/t आ गया, 1/t जो है -0.02। तो 1/β t, आपको बीटा की वैल्यू पता है, इट शुड बी -0.002, ये आ जाएगा। तो ये आपके पोल इन जीरो प्लेस होगा। और यहाँ पे जो टी की चॉइस है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्यू की 1/t -0.05, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे आप देखें, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन, इट्स नॉट द ओनली सोल्यूशन। तो जो पोल की लोकेशन है वो -0.005 आ जाएगी, और जो आपका कंपनसेटर है वो हो जाएगा के सी, सॉरी नॉट के वी बट के सी, के सी डैश एंड एस प्लस 0.05 डिवाइडेड बाई एस प्लस 0.005, ये आपका लीड कंपनसेटर बन गया, लैग कंपनसेटर बन गया। तो ये लैग कंपनसेटर आपका मिल गया। अब आपको जो है इसकी के सी की वैल्यू मालूम करनी है, के सी की कंपनसेटर गेन है, इसकी वैल्यू आप कैसे मालूम करेंगे, यूजिंग मैग्नीट्यूड कंडीशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड कंडीशन लगा के आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि के सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब ये आप कंपनसेटेड सिस्टम और अनकम्पनसेटेड सिस्टम का रूट लोकस बनाएंगे तो थोड़ा सा देखें शिफ्ट है। ये वाला जो है जो लेफ्ट साइड पे है, ये कौन है डिफरेंट कलर, ये वाला जो है और ये इस साइड वाला है, ये कंपनसेटेड सिस्टम का। ठीक है, तो इतना फर्क नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया इट शुड बी लेस देन 5 डिग्री। तो क्लोज लूप पोल्स यहाँ पे देखें, ये नया क्लोज लूप पोल है, ये पुराना है, दोनों में इतना फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो शिफ्ट आएगा लेकिन इतना फर्क नहीं है। तो नया क्लोज लूप आपको पोल मिल गया। अब ये लोकेशन यूज करके आपको मैग्नीट्यूड कंडीशन लगानी है इस ट्रांसफर फंक्शन पे और के सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो यूज दिस पॉइंट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू मिल गई, यहाँ से आप के सी की वैल्यू निकालना। तो के सी मैंने जैसे आपको बताया ऑलमोस्ट 1 ही आता है, करने की जरूरत नहीं होती, यू नो इट इज नियरली 1, राइट। तो 0.96 आया के सी, एंड इसकी जो लैग कंपनसेटर की डिजाइन है दैट इज रिलेटिवली सिंपलर एज कम्पेयर टू द लीड कंपनसेटर। तो ये आपके पास कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया कंप्लीट, लैग कंपनसेटर डिजाइन हो गया। अब आप दोनों ट्रांसफर फंक्शन कंबाइन करेंगे, प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन और कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन, दोनों आ गए, दोनों मतलब ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम विद कंट्रोलर। ठीक है, अब इसका अगर आप स्टेडी स्टेट एरर मालूम करेंगे यूजिंग फाइनल वैल्यू थ्योरम, तो आपको
स्टेडी स्टेट एरर जो है वो 5.12 मिला, केवी जो है नॉट स्टेडी स्टेट एरर बट स्टैटिक लॉस ईयर कांस्टेंट 5.12 मिला। तो आप देखें कि डिजाइन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, आपकी क्लोजिंग पोल भी चेंज नहीं हुआ और आपकी स्टेडी स्टेट एरर सिस्टम की जो है वो डिजायर्ड हो गई, ठीक है 10 times डिक्रीज हो गई यूजिंग द लैग कंपनसेटर। इसी तरह दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपने 0 को 0.01 पे रख दिया तो कोल जो है 0.001 पे चला जाएगा, और सिमिलरली यू नो यूजिंग सेम स्टेप यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी, केसी की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। और अब जो है देखें कि जो रूट लोकस है उसमें बिल्कुल कम फर्क है, पिछला जो सोल्यूशन था उसमें थोड़ा ज़्यादा फर्क था क्योंकि अब हमारे पोल्स जो हैं ज़्यादा ओरिजिन के करीब हैं। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे 0.05 था, थोड़े दूर से ओरिजिन है, ठीक है ये क्योंकि पोल हमारे कंपनसेटर के 0.05 और 0.005 पे थे तो ओरिजिन से थोड़ा दूर थे। अब जो है पोल 0.01 एंड 0.001 पे है, पोल एंड जीरो, ठीक है तो ये ओरिजिन से ज़्यादा करीब है। तो रूट लोकस में जो ब्लू वाला है वो एक्सेल सिस्टम का है, जो ग्रीन वाला है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो एंगल कंट्रीब्यूशन है पोल एंड जीरो का वो उससे भी कम हो गया। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी लैग कंपनसेटर, और इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क, इसको आप करके देखिएगा एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। और इन द मीन टाइम अगर अभी आपको जो हमने सो फार डिस्कस किया इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार, सब समझ आ गया?